डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज है 22 फरवरी 2019 और 22 फरवरी 2019 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका 1% भी हेल्प हो रहा है तब आप इस वीडियो को अपने किसी भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो गया जो व्हाट्सअप फेसबुक वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में निम्न में से किसे प्यूमा का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। अभी हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है मैरी कॉम को, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैरी कॉम को 2 साल के लिए प्यूमा का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। अब यहाँ पे टर्म आई है प्यूमा, तो मैं आपको प्यूमा के बारे में बताता हूँ। प्यूमा एक जर्मनी की कंपनी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी आइटम बनाती है। तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा समय तक याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पर प्यूमा की फ़ोटो भी लगा दी है, तो आप ये देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं मैरी कॉम पे, देखते हैं मैरी कॉम कौन है। मैरी कॉम वैसे कौन है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिया की बहुत ही फेमस बॉक्सर है और इन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कारनामा करने वाली ये भारत की पहली महिला है, भारत की नहीं पूरे विश्व की पहली महिला है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सभी लोगों को न्याय मिले और उनको विश्वास जताया जाए या किसी भी जो संगठन है उसमें कुछ उनके साथ अन्याय ना हो और उनका विकास हो, इसलिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। अब इस विश्व सामाजिक न्याय दिवस की एक थीम भी थी, मैं आपको थीम बता रहा हूँ तो आप उसको नोट कर दीजिए। इस विषय की थीम थी इफ़ यू वॉन्ट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, इफ़ यू वॉन्ट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, 40वां अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में 40वां अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान महोत्सव आयोजित किया गया था जैसलमेर में, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये जैसलमेर में आयोजन किया है तो जैसलमेर का है राजस्थान में, और इसका आयोजन कब किया गया था, 19 फरवरी को आयोजित किया गया था। राजस्थान के संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करना इसका मेन मकसद था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के किस स्थान पर मेगा अभ्यास वायु शक्ति आयोजन किया। अभी भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया, कहाँ किया है, राजस्थान के पोखरण में, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्यों आयोजित किया गया था, यहाँ पे पहली बार एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का भी यूज़ किया गया था, और यहाँ पे MiG-29 फाइटर जेट को भी अभ्यास में प्रदर्शित किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पे टर्म आई है राजस्थान, तो हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वहाँ के CM है अशोक गहलोत और वहाँ के गवर्नर है कल्याण सिंह। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बना है। निम्न में से कौन सा देश IASA का 73वां सदस्य देश बना है। अभी हाल ही में IASA का 73वां सदस्य देश बना है सऊदी अरब, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था IASA का 72वां सदस्य देश बना है अर्जेंटीना।
अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आईएसए का 73वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो सऊदी अरब बताएंगे, और 72वां पूछा जाए तो आप बताएंगे अर्जेंटीना। अब यहाँ पे टर्म आई है आईएसए, तो मैं आईएसए के बारे में आपको बताता हूँ। आईएसए यानी क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। इसका हेड क्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। अब इसका सही आंसर है सऊदी अरब, तो हम सऊदी अरब के भी बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल होती है रियाद, वहाँ की मुद्रा है रियाल, और वहाँ के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कालिया छात्रवृत्ति कार्यक्रम का अनावरण किया? अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कालिया छात्रवृत्ति कार्यक्रम का अनिवारण किया, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ किया गया था इसका अनिवारण? उड़ीसा में किया गया था। इसका अनिवारण कब किया गया था? 19 फरवरी को उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने इसका अनावरण किया था। किस लिए किया गया था? जो किसान के जो गरीब बच्चे हैं उनको इस योजना का लाभ मिले, इसलिए इसका अनिवारण किया गया था। अब यहाँ पे टर्म आई है उड़ीसा, तो हम उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर, वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। मैं आपको उड़ीसा के बारे में दो क्वेश्चन बताता हूँ, वो आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उड़ीसा में है कोणार्क सन टेम्पल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है, तो आप टिक करके आएंगे उड़ीसा में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पे ही अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में किस राज्य मैंने इको सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया? अभी हाल ही में केरल राज्य ने इको सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने किया है। अब यहाँ पे टर्म आई है केरल, तो हम केरल के बारे में भी जान लेते हैं। ये देखिए, ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है पी सतासिवम। और केरल से दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरल में है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, वो बार बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है सांत घाटी, सांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। अब आपके माइंड में सांत घाटी आई है, तो तुरंत माइंड में फूलों की घाटी भी आना चाहिए। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जब तक आप कोई भी चीज़ लिंक करके नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको कोई भी चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी। इसलिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ, आप चीज़ों को लिंक करके पढ़े और उसको रिवाइज करते रहे। जब तक आपके लाइफ में स्टूडेंट शब्द है, तब तक आपको रिवाइज करना ही करना है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेज़बानी किसने की? अभी हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेज़बानी की है दिल्ली ने, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब यहाँ पे टर्म आई है दिल्ली, तो हम दिल्ली के बारे में जानेंगे। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो और वहाँ के दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। हाल ही में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है वाराणसी में, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका भी उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये वाराणसी जो है वो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे वाराणसी आया है, तो हम वाराणसी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है राम नाईक। तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में इतना याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन क्या बना है वो देखते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? अभी हाल ही में निकोल डेविड ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए निकोल डेविड को कौन है। ये निकोल डेविड है, ये मलेशिया की रहने वाली है और स्केस नाम स्केस जो एक खेल है उसकी बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो इन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखिए। चलिए, अब मैंने आपको एक कल क्वेश्चन पूछा था और बताया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर था अमेरिका। बहुत से स्टूडेंट ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितना पता हो ज़्यादा से ज़्यादा लिखा कीजिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ें एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए, आज मैं आपको फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अन्नदाता सुखी भव योजना शुरू की है? ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवा रखा है, तो आई होप आप सबको इसका इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और आपको जितना पता है उतना लिखिए। और मैं आप सबको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो से 1% भी आपका फ़ायदा हो रहा है तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।